उत्तर प्रदेश पीलीभीत के बीसलपुर के गांव उमरिया में मंदिर की भूमि पर दबंग लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। आपको बताते चले, प्रार्थी नटवीर बाबा की 6 वर्ष से अति देखभाल भी करता था। प्रार्थी ने बताया कि आश्रम के नाम पर जो 3.25 एकड़ कृषि भूमि है, जो उक्त कृषि की भूमि पर कई तरह के पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, लेकिन उक्त आश्रम पर 3.25 एकड़ भूमि गाटा संख्या 115 इंद्रपाल पुत्र नेतराम, माखन लाल, अजय पुत्र राम प्रसाद, राकेश सभी उमरिया के निवासी हैं। इन लोगों ने आश्रम पर अवैध रूप से बदमाशी के बल पर कब्जा कर लिया और 2 रास्ते बना दिए। राजपाल पुत्र कुंदन निवासी कल्याणपुर थाना बरखेड़ा जिला पीलीभीत 2 पेड़ गूलर के दबंग लोगों ने चोरी से काट ले गए तथा शीशम, सेमर, गूलर एवं बांसों के पेड़ चोरी से अजय ने कटवाकर ठेकेदार को बेच दिए, जिसमें राकेश ने 50 पेड़ सिसहा के बेच दिए हैं, जिसमें शासन और प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा है। क्या नाम है आपका? बनवारी दास जी। किस गांव के निवासी हैं आप? गोल कानून ध्वज मरड़िया जी। यहाँ पर आपको आश्रम पर कितने दिन रहने बीते हो गए हो? क्या समस्या है आपकी, बताइए पूरा मामला। 7 साल हो गई हमें यहाँ पे जी। 7 साल में जो पेड़ सब काट लिए हैं यहाँ जी, और जमीन पे कब्जा भी कर रखा है सब जी जी जी, और दो दो रास्ताएं चला रहे हैं जी 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 जी, और हर प्रकार का यहाँ पर आवारा गिद्दी कर रहे हैं, जनावर, चिड़िया, बकरियां, सब कुछ यहाँ पर जी। रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, जो पेड़ काटे थे वो किन लोगों ने पेड़ काटे? पेड़ काटा है एक तो शिव कुमार ने, शीशों काटी है जी दो। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।